गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द ड्रीमगढ़। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की। प्यारे साथियों, ये जो करंट अफेयर का सेशन है ये अलग अलग न्यूज़पेपर से उठाया गया है और शुरुआत कर देते हैं इसकी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के कृषि विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। और सेकंड क्वेश्चन आता है, ये कृषि कर्मण पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला है, तो तिलहन के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आता है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर हरियाणा के किस जिले के अंदर खोला गया है, तो सिरसा के अंदर जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला गया है। और सिरसा के जिले गाँव का नाम है कागदाना गाँव के अंदर खोला गया है। और दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री दो हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्टेट क्लस्टर स्कीम के तहत खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2020 चैंपियनशिप किसने जीती है, तो देखिए जो वर्तमान में 2020 के अंदर चैंपियनशिप हुई है हिसार जिले ने जीती है सोनीपत को हराकर। सिरसा में हाल ही में किस प्रयोगशाला की शुरुआत हुई है, तो सिरसा के अंदर हाल ही के अंदर गुणवत्ता एवं जांच प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फोर्ब्स की सूची में चर्चित हरियाणवी कौन है, देखिए टॉप 20 के अंदर एक हरियाणवी हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो हैं फोर्ब्स की सूची के अंदर चर्चित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुणवत्ता एवं जांच प्रयोगशाला की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, गुणवत्ता एवं जाँच प्रयोगशाला की शुरुआत जो है कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के द्वारा की गई है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस स्टेडियम से की गई, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से। देश के सबसे लंबे स्पेशल ब्रिज का उद्घाटन किया गया था हाल ही के अंदर और कुछ समय से ये बंद भी पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज का काम कहाँ पर चल रहा है, तो टिहरी झील पर डोबरा चांठी के अंदर जो है यह कार्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो जो जेपी नड्डा हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर सम्पन्न हुआ है, तो जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनका आयोजन जो है गुवाहाटी के अंदर हुआ है। CBSE के द्वारा परीक्षा केंद्रों में सख्ती से निरीक्षण के लिए किस मॉनिटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है, तो जियो टैग जो मेथड है उसकी योजना CBSE के द्वारा परीक्षा केंद्रों के अंदर सख्ती से निरीक्षण के लिए बनाई गई है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पहला क्वेश्चन आता है, विलेज नॉलेज सेंटर किस योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, तो जो ये विलेज नॉलेज सेंटर हैं यह दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्कूल एजुकेशन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो स्कूल एजुकेशन के अंदर हरियाणा का जो है तीसरा स्थान है। और यह जो डेटा जो है ये नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है उसके द्वारा ये डेटा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुशबू यादव के द्वारा किस चोटी को हाल ही के अंदर फतह किया गया है, केदारकंठ चोटी को खुशबू यादव के द्वारा हाल ही के अंदर फतह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुशबू यादव का संबंध किस जिले से है, तो जो ये खुशबू यादव है इसका संबंध हिसार जिले से है, हिसार जिले से। उसके बाद आता है, विलेज नॉलेज सेंटरों की संख्या कितनी है, प्यारे साथियों ये खंड हैं, विलेज नॉलेज सेंटरों की संख्या जो है 750 है। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मार्च 2021 तक हरियाणा में कितने स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है, तो 10 लाख मीटर। प्यारे साथियों, ये स्मार्ट मीटर से मतलब है बिल्कुल ये भी आपके प्रीपेड की तरह होंगे, अब सारे के सारे पहले रिचार्ज कराओ तब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पाओ। गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर काफ़ी जगह ये जो है लग भी चुके हैं। और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन कौन हैं, दीपेंद्र सिंह ढेसी, DS ढेसी जिनको बोला जाता है, वह हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कॉम के CMD कौन है, शत्रुजीत कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा विधानसभा की 17 और 2 लोकसभा सीटों के लिए आरक्षण कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, 10 साल के लिए हाल ही के अंदर बढ़ाया गया है।
और जो संविधान संशोधन किया गया है इसके लिए वह था 126वां संविधान संशोधन। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हीरा लुई विटो ने खरीदा है और इसका वजन जो है 1758 कैरेट है। बोत्सवाना की कारो खदान से यह मिला था और लुकारा डायमंड कॉरपोरेशन को जो है के द्वारा इसे खोजा गया था। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तीन राजधानियों वाला विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश हुआ है? तो आंध्र प्रदेश की राज्यसभा के अंदर यह पेश हुआ है। विशाखापट्टनम, अमरावती, कुरनूल और आंध्र प्रदेश की जो ये तीन जगह हैं इनको राजधानी बनाने का ख्याल किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं आपके जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिना मिट्टी के पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक। और हाल ही में 40 क्विंटल वजनी तोप कहाँ से प्राप्त हुई है? मुजफ्फरनगर से। तो प्यारे साथियों ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।